टेलीग्राम हो गया है भारत में बैन। बिल्कुल सही सुना आपने, टेलीग्राम भारत में बैन हो गया है। और चलिए कर लेते हैं आईपीएल की बात। आईपीएल में फ्रेंड्स, अब इस बार आईपीएल 2025 के लिए सबसे अधिक महंगे खिलाड़ी बिकने वाले हैं रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा को भाई 50 करोड़ रुपए तक लोगों ने रख लिए हैं। टीमों ने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने लगातार इनके बयान आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि यदि रोहित शर्मा नीलामी में आते हैं तो हम इनको 50 करोड़ रुपए तक कर दे सकते हैं। लेकिन ये बात तो असली बात तो ये नीलामी के टाइम पर ही पता पड़ेगी क्या होता है क्या नहीं। और भाई केकेआर की लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। केकेआर ने भाई सूर्य कुमार यादव को ट्रेड कर लिया है। सूर्य कुमार यादव केकेआर के कप्तान होंगे और साथ ही में अय्यर पहुंच गई है मुंबई इंडियंस की टीम में। और भाई मैं बता दूं, इस बार आईपीएल 2025 में जेम्स स्टीवन स्मिथ और जेम्स एंडरसन खेलते हुए नजर आएंगे। और चलिए कर लेते हैं, शिखर धवन ने तो भाई संन्यास ले लिया है। चलिए शिखर धवन की एक यादगार पारी के बारे में बताते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 359 रन बनाए थे और भारत को जो है चेस करने थे, लेकिन रोहित शर्मा ने भाई 141 रन नाबाद बनाए थे। वहीं पर शिखर धवन ने 95 रन नाबाद बनाए थे और विराट कोहली ने 52 गेंदों में 100 रन बनाए थे नाबाद। ओडीआई की बात है भाई ये। और यहीं ये बात मिचेल स्टार्क बोले शिखर धवन को यादगार कर, शिखर धवन की पारी को यादगार बनाते हुए। और चलिए भाई, युवराज सिंह को एक बहुत बड़ा ऑफर आया है जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने दिया है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार चर्चा में बनी हुई है और जो कि भाई इसी के बाद जो गुजरात की टीम ने भी ऑफर दे दिया युवराज सिंह को कोच बनने का। क्या ये कोच बनते हैं, ये बात तो इनके हाथ में होगी कौन सी टीम का कोच बनाना चाहते हैं। और भाई अभिषेक शर्मा के बारे में बोले हैं युवराज सिंह, बोले हैं इस बंदे में इतना अधिक टैलेंट है कि ये पहले दिन ही टेस्ट पारी के पहले दिन ही दोहरा शतक मार सकता है, इतनी काबिलियत रखता है। और भाई इसी बात को लेकर के युवराज सिंह की एक मूवी आने वाली है, मूवी जिस मूवी में जैसे MS धोनी की तरह ही मूवी आएगी या कुछ अलग टाइप की मूवी आएगी, ये तो आने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन इस मूवी में बायोपिक मूवी है उनकी जो है क्रिकेट कैरियर और जिस हिसाब से उन्होंने संघर्ष किया कैसे लग पाई जहाँ तक, और बीमारी के बारे में दिखाया जाएगा। और भाई चलिए इंडिया बनाम बांग्लादेश के बारे में टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, क्या हो सकती है प्लेइंग 11। इसमें रोहित शर्मा तो कप्तान है, ये कोई शक वाली बात नहीं है। इनके साथ ओपनिंग करेंगे जसप्रीत जायसवाल, वन डाउन पर आएंगे विराट कोहली और इसके बाद सरफराज खान, ऋषभ पंत और करुण नायर की वापसी होने वाली है भाई। और रविंद्र जडेजा, करुण नायर के बारे में बता दूँ मैं आपको भाई, करुण नायर ने जब तीसरा चौथा टेस्ट मैच खेल रहे थे ये, उन्होंने पहली पारी में भाई 303 रन नाबाद बना दिए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि जहां पर भारतीय टीम के विकेट जल्दी गिर गए थे और वो भी 300 से कम गेंदों में बनाए थे। लेकिन उस दिन के बाद से इस बंदे की वापसी नहीं हुई, उसके बाद अब वापसी हो रही है। और रविंद्र जडेजा भी खेलेंगे, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार। भाई भुवनेश्वर कुमार को ये लोग मौका नहीं देंगे, इनकी जगह पर मोहम्मद सिराज ही आएंगे। और भाई इधर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं और आईपीएल को लेकर के, मैं बता दूं भाई कि आईपीएल में इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इनके कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जो कि केवल 6 खिलाड़ी रिटेन होने हैं, तो इस मैच बाद बाकी खिलाड़ी रिटेन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे अधिक मुख्य खिलाड़ी भाई कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में ही हैं। और इसमें से चलिए सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बताता हूँ, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल और समीर अहमद और उमरान मलिक और टी नटराजन, ये खिलाड़ी रिटेन नहीं होने वाले हैं, कन्फर्म लिस्ट दे दी है अभी से सनराइजर्स हैदराबाद ने। और भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की बात की जाए तो के एल राहुल, देवदत्त पड्डीकल, शिवम माबी, मोहसिन खान, ये खिलाड़ी रिटेन नहीं होने वाले हैं लखनऊ की टीम में, क्योंकि भाई इसमें KL राहुल ने तो पहले ही बयान दे दिया था कि भाई मैं जब किसी भी टीम का हिस्सा रहूँ लेकिन मैं ये कंफर्म गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं उसको फाइनल तक ही ले जाऊँगा या फाइनल जिता के आऊँगा। और ये भाई अब KL राहुल की घर वापसी होने वाली है, क्योंकि ये पहले RCB से खेलते थे, अब दोबारा से RCB में जाने वाले हैं, लगभग बात तय हो गई है इनकी। और वहाँ जाकर ये तो देखना ये होगा कप्तान बनते हैं या नहीं। और भाई देवदत्त पड्डीकल भी अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, ये अलग बात है। इसके बाद भाई गुजरात टीम के बारे में देखा जाए तो गुजरात टीम के रिद्धिमान साहब, विजय शंकर, मोहसिन खान और उमेश यादव की ये खिलाड़ी रिलीज होने वाले हैं, देखना ये होगा कि इसमें जी शाहरुख खान कौन सी टीम में जाते हैं, अच्छा खेलते हैं काफ़ी, देखना। और भाई दिल्ली कैपिटल्स में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत, पृथ्वी शो और ईशांत शर्मा, इसमें से भाई ऋषभ पंत तो जानने वाले हैं CSK की टीम में और पृथ्वी शो का मुख्य वजह रिलीज करने की फॉर्म का ना होना, ईशांत शर्मा भी भाई
ईशांत शर्मा भी लगातार फॉर्म से जूझ रही है। इसके बाद भाई बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो कि लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। पिछली बार आईपीएल का खिताब जीत करके आई है ये टीम, लेकिन मजबूरी बन रही है चेंज करने की। इसमें नीतीश राणा, मनीष पांडे, हर्षित राणा, चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क ये खिलाड़ी रिलीज होने वाले हैं। चौंक भाई मिचेल स्टार्क तो इसलिए रिलीज होने वाले हैं क्योंकि जिस हिसाब से 25 करोड़ में खरीदा गया था इनको, उस हिसाब से इन्होंने कुछ भी काम करके नहीं दिया है। और इसी बात को लेकर के भाई इनको रिलीज किया जा रहा है। और भाई स्टीवन स्मिथ किस टीम में हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदर लगातार रन बना रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के टुल्ले केवल सभी टुल्लों में से एक टुल्ला चलता है हर बार के आईपीएल में, जब वही शोर मचा रहा रहता है। लेकिन इस बार ट्रेविस हेड टुल्ला चलाता है, अगली बार देखना होगा कौन चलता है कौन नहीं। और मैं बता दूं भाई आरसीबी की टीम में से कौन कौन रिलीज होने वाले हैं, अरुण रावत जो कि उनके विकेट कीपर हैं, और महिपाल लैमरा ये भी विकेट कीपर हैं। इन दोनों को रिलीज भाई इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि केएल राहुल आने वाले हैं और महिपाल, और इसके बाद करण शर्मा और यश दयाल। करण शर्मा भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, विकेट लेते हैं, लेकिन भाई जैसे ही कोई भी कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो आरसीबी में आते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है, ये पता नहीं कैसा होगा कैसी बात है। लेकिन इसके बाद में बता दूं भाई सीएसके की टीम में देख लेते हैं। सीएसके की टीम में भाई अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और रचिन रविंदर और डेरिल मिचेल ये खिलाड़ी रिटेन नहीं होने वाले हैं। ये खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को रिलीज किया जाएगा, लेकिन देखना ही होगा इनमें से भाई, जो कि डेरिल मिचेल जो काम न्यूजीलैंड के लिए करते हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे इस बार क्योंकि भाई जो गेंदबाजी भी करते हैं बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। रचिन रविंदर जो कि इनका नाम है ओपनिंग करवा लो।